नाम मोहम्मद आसिफ है जी। मैं वोट इसलिए करता हूँ, आप देख रहे हैं वोट इसलिए पेंट है, ये 2 साल पुराना मदीना है और इसमें जितना भी मटेरियल यूज हुआ है सिर्फ वुड है। इसमें 500 से ज्यादा वुड के छोटे छोटे पीसेस को कट करके इनले किया गया है, इसको वुड इनले टेक्निक बोलते हैं। 2 से 3 महीने लगते हैं पेंटिंग को तैयार करने में, तब जाके पेंटिंग तैयार होती है। बेसिकली पहले हमसे बिफोर 100 ईयर ये साउथ में होती थी, ये साउथ की आर्ट है, लेकिन वो चीज़ें अब वहाँ धीरे धीरे खत्म हो गई, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ जिंदा रहे। ऐसे यूनिक आर्ट है, ये चैलेंजिंग आर्ट है कि अगर कोई हमें जाएगा नहीं कलर यूज हुआ है तो हम चैलेंज कर सकते हैं कि कलर नॉट यूज ऑफ कलर, कोई कलर का इस्तेमाल नहीं, कलर का इस्तेमाल नहीं। जो लकड़ी के कलर होते हैं नेचुरल कलर्स हैं सिर्फ वो है, इसमें कोई ओरिजिनल वुड है, सारी ये ओरिजिनल वुड है। क्या बोलते हैं इस आर्ट को, गुड इंडिया बोलते हैं, गुड इंडिया आर्ट, गुड इंडिया आर्ट, गुड इंडिया, गुड इंडिया आर्ट जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। कब से कर रहे हैं ये, कहाँ से किया? मैंने हैदराबाद से की है और मैंने 2013 में एक एग्जीबिशन देखी थी, मैं बहुत इंस्पायर हुआ था इस आर्ट से, तो मैं हैदराबाद चला गया था सीखने के लिए। जो हमारे सियासत आर्ट गैलरी है वहीं के आर्टिस्टों की एक एग्जीबिशन हुई थी दिल्ली एम एस आर्ट गैलरी, जिसका इनोग्रेशन किया था शीला दीक्षित ने, तो उस वक्त मैं स्टूडेंट था, तो जब मैंने वो एग्जीबिशन देखी तो मैं इतना इंस्पायर हुआ कि नहीं ये वाकई एक बहुत ही उम्दा आर्ट है, तो मुझे सीखनी चाहिए। ठीक है, आर्टिस्ट की आर्ट की तो कोई कीमत नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपने इसकी क्या अदायगी रखी है? ये तो बेसिकली हमारे पास तो 35,000 से ज़्यादा आर्ट कलेक्शन है। हम पहले बेचते नहीं थे और सेलिंग पर्पज़ हमारा कुछ नहीं था, लेकिन सेकेंड टाइम है कि हमने सेलिंग के लिए स्टार्ट किया है। हमारा काम था आर्ट को प्रमोट करना, जैसे ये पेंटिंग है, अगर मेहनत और फन के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी कीमत नहीं है, लेकिन जश्न रेखा की इंटरेस्ट को देखते हुए हमने इसकी बहुत ही कम अधिया रखा है, 35,000 है, और हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक पेंटिंग को बनाने के लिए हमें कम से कम 3 महीने चाहिए। तो अगर एक बोला जाए कि मामूली सा चार्ज भी लगाएं पर डे का तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रमोशन के लिए 35,000 हमने ये रखा। कारपेंटर के घर में अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है तो वो कारपेंटर ही क्यों बने, उसको पता होना चाहिए कि हम ठीक है लकड़ी में काम कर रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि लकड़ी में क्या क्या कर सकते हैं, कि हमारा अल्लाह ताला ने हमारे माइंड को कितना क्रिएटिव बनाया है, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपकी बनाई थी आज तक सबसे महंगी कितने रुपए की पेंटिंग? मेरी 40,000 की पेंटिंग लखनऊ के लॉयर थे, उन्होंने खरीदी थी, और उसके बाद लास्ट टाइम जश्न रेख्ता में एक साहब आए थे 4 मीनार खरीद के लेके गए थे वो 15,000 का। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मेरा आर्ट अभी से बिक रहा है, इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में मैं बहुत अच्छा नाम भी कमा लूँगा और बहुत अच्छी आर्ट भी करने लगूँगा। जितने लोग आ रहे हैं हमारे स्टोर में जरूर विजिट कर रहे हैं, और कुछ चीज़ से हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ हमारी आर्ट लोगों को अच्छा लग रही है, तो शायद इसलिए।